एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कुछ ही टाइम पहले मेरे घर का इंटीरियर डेकोरेट कराया है और साथ में मैंने मेरे किचन को भी मॉड्यूलर कराया है। तो बाकी सारी चीज़ें तो मैंने सेट कर ली थी, बट मैं फ़िलहाल ये वाला गैस स्टोव यूज़ कर रही थी और ढूंढ रही थी बहुत ही अच्छा कोई गैस स्टोव जो कि क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा हो और मेरे किचन को एक बहुत ही अच्छा लुक दे। तो बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह सर्च किया और उसके बाद मुझे रिलीजन का एक बहुत ही अच्छा गैस स्टोव मिला है। इसी प्रोडक्ट के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही मैं इसका रिव्यू, अनबॉक्सिंग सब कुछ आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छे से पैक होके आया था ये। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट ISI सर्टिफाइड है, इसमें आपको ISI का मार्का भी मिल जाएगा। अब इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़, जो आप ये ग्लास देख रहे हो ना, ये क्रिस्टल ग्लास का है इसका ये पूरा सरफेस, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें किसी भी तरह के स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे और बहुत ही अच्छा है कि ये इजी टू क्लीन है, आप बहुत इजीली इसको क्लीन कर सकते हो। अब इसकी बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी ये जो बॉडी है, फ्रेम है इसका, ये मेटल का है तो काफ़ी अच्छा है, स्टर्डी है, मजबूत है और इसमें जंग वगैरह नहीं लगेगी। अब मैं आपको इसके जो बर्नर हैं इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये बर्नर आपको ब्रास के मिलेंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्नर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। वैसे तो मार्केट में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट बर्नर्स भी मिलते हैं जैसे कि लोहे वगैरह के, बट वो उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी रहेगा। सो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसमें दी हुई है। और इसका ये जो आप स्टैंड देख रहे हो ना, ये भी काफ़ी अच्छा है, ईजी टू क्लीन है ये वाला स्टैंड। और इनकेस यदि क्लीन करते करते आपके हाथ से गिर जाता है तो भी ये टूटेगा फूटेगा नहीं, क्योंकि ये पाउडर कोटेड है और बहुत ही अच्छा है, स्टर्डी है। और इसका जो बैलेंस वगैरह है ना, ये भी बहुत अच्छा है। कुछ पॉट वगैरह यदि आप इसमें रखते हो तो काफ़ी अच्छे से उसको बैलेंस करके रखेगा। अब मैं इसके नॉब्स के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो आप नॉब्स देख रहे हो ना, कुछ इस तरह के नॉब्स आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में और बहुत ही स्मूथ है। थोड़ा सा आप इसे ऐसे प्रेस करोगे ना, उसके बाद आपको इसे घुमाना होगा और ये काफ़ी अच्छे से बहुत स्मूथ चल रहा है। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगा और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। अब इसके बैक साइड के बारे में, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा चीज़ें जो भी इसमें लगा हुआ है, ये एलुमिनियम एलॉय का लगा हुआ है जो भी काफ़ी अच्छा है और इसमें भी कोई जंग वगैरह नहीं लगेगी। सो ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको 2 ईयर्स की वारंटी भी मिल जाती है। इस तरह का एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम यदि होती है इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो आप इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये वाला प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम मेड इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं। लास्टली हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये वाला प्रोडक्ट मुझे मिला है 2400 रुपीज़ में, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप 2 बर्नर वाला गैस स्टोव चाहते हो तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, 4 बर्नर वाला यदि आपको चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने मेरी नीड के हिसाब से इसे 3 बर्नर वाला परचेस किया है। सो ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया, रिलायबल है, तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। यदि ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।